नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले स्टोर पे अबाउट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको नीचे में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक अबाउट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया गया है अबाउट गूगल प्ले। अगर आप गूगल प्ले स्टोर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स लाइसेंस, उसका लाइसेंस क्या है और यहाँ पर उसका ओपन सोर्स क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करके उसका भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन में प्ले स्टोर का कौन सा वर्जन यहाँ पर अभी अपडेट है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 2021 का वर्जन यहाँ पर अपडेट है और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। अगर इसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपका डिवाइस है वो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन है कि नहीं, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्ले स्टोर पे अबाउट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और उसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।